नगर के मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो गायों को रौंदा, एक की हालत गंभीर, उपचार जारी। खबर नगर के मुख्य मार्ग पोहरी मोहना मार्ग से है, जहां पर आज शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने दो गायों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गाय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है। जब गायों के साथ ट्रक द्वारा टक्कर मारने की सूचना समाजसेवी डॉक्टर दीपक धाकड़, धीरज सोनी, आदेश बालोठिया, विकास तोमर को मिली तो तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों गायों को बैराड़ नगर के नया बस स्टैंड पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गायों का प्राथमिक उपचार किया, जिनमें एक गाय की हालत गंभीर बताई जा रही है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गाय के साथ जो हादसा हुआ है, तो उसमें से मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि सुबह मैं जब दूध लेने आया तो मैंने देखा माता रोड पर एक गाय थी, एक ट्रक वाला आया और उसके चारों पैरों पर वो गाड़ी चला के चला गया वहाँ से, उसका पीछा भी किया, आज मैं पकड़ में भी आया। तो प्रशासन से तो मांग यही रहेगी कि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, प्रतिदिन हम देखते हैं बाजार में एक दो गायों को साथ में ऐसे हादसे होते हैं, तो गायों का उपचार हो सके, ऐसी कोई जगह हो जहाँ बीमार घायल गायों को ले जा सकें और उनके चारे पानी की व्यवस्था और उनके गौशाला के लिए एक व्यवस्था की जाए। तो प्रशासन से तो यही मांग रहे हैं कि एक घायल और असहाय गायों के लिए गौशाला के लिए जगह या फिर कोई ऐसी जगह तय की जाए जहां उनके लिए जगह हो। बैराड़ शहर की आबादी इतनी बड़ी है, जहां 25,000 से 30,000 लोग रहती हैं, तो आबादी के हिसाब से यहाँ पर गौवंश भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कम से कम एक गौशाला तो होनी चाहिए जहाँ पर बीमार और असहाय ऐसी गायों का इलाज हो सके। तो ये दो हादसे हुए, तो इसमें मुख्य कारण किसका रहा है? मुख्य कारण यहाँ की प्रशासन की लापरवाही करा। एक तो मेन रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो जो वाहन आते हैं उनको निकलने के लिए जगह नहीं रहती, और दूसरी जो हाथ के ठेले होते हैं वो सड़कों पर ही ठेले लगाते हैं, तो बसें और जो ट्रक होते हैं उनके निकलने के लिए सही से रास्ता नहीं रहता, और जो आवारा पशु हैं वो भी सड़क पर रहते हैं, तो मुख्य कारण कोई घर तो है नहीं है। तो ये मतलब दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वालों को माना जाता है? प्रशासन से कई बार मांग की जा चुकी है, कई बार विधायक हैं, मंत्री हैं, आश्वासन दे के चले आते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। इतनी बड़ी शहर की आबादी है, 100 गांव बैराड़ से लगते हैं, लेकिन एक सिंगल गौशाला, एक छोटी सी गौशाला नहीं है जहाँ केवल 100 या 50 गायों को रख सकें। बैराड़ से 100 गांव जुड़ती हैं, 100 गांव में से कोई एक गौशाला बता दे मुझे कि एक गांव में ये गौशाला है जहाँ पर 50 या 100 गौ गैयाएं रहती हैं। पूरी गौशाला बन गई है नाम मात्र की, पूरी गौशालाएं खाली पड़ी हैं, उन पर निजी किसी सरपंच का कब्जा है, किसी पर सचिव का कब्जा है, एक भी गौशाला ऐसी नहीं है कि वो वर्तमान में चालू हो जहाँ पर गायों का इलाज हो रहा हो, रखरखाव की व्यवस्था हो। तो फंड पूरा आ रहा है सरकार से, पैसे पूरे आ रहे हैं, तो समस्या कहाँ रही है? तो मुख्य कारण अतिक्रमण को भी माना जा रहा है इसका? अतिक्रमण है पूरा मुख्य कारण। तो अतिक्रमण को लेकर नहीं, तो आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे।